शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, भरणी नक्षत्र शाम 7:30 बजे तक बना रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। उसके पश्चात कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। मेष राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। मेष राशि के राशि स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और साहसी होते हैं। ये दूसरों को प्रेरित करने वाले और धार्मिक रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक चित्रकारिता और फोटोग्राफी में भी रुचि रखने वाले होते हैं और निरंतर उन्नतिशील होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और मंगल की स्थिति मजबूत रही तो पूर्ण सफल होंगे। भरणी नक्षत्र के जन्मे जातक पिता के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे ख्यालों में और सौंदर्य प्रधान मानसिकता में गुजरेगा, क्योंकि आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। गजकेसरी योग भी बना हुआ है। रचनात्मक सक्रियता को बरकरार रखना चाहिए। सोचे हुए कामों को अपने रचनात्मक प्रयासों में लगाएं। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। शिक्षा संबंधी मामलों में उत्साह और सक्रियता बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और खुशहाली भरा माहौल महसूस करेंगे। वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि आर्थिक योजनाओं की निरंतरता बनाए रखें। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होंगे। मन में उठ रहे उत्साह को अपने सामाजिक संपर्कों और अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ाएं। हर काम के प्रति जल्दबाजी उचित नहीं होगी। वित्तीय संकट की स्थिति आ सकती है। पत्नी से मानसिक सहयोग मिलता रहेगा। सामाजिक क्रियाकलापों में सम्मानित किए जाएंगे। किसी काम में रुकावट की संभावना बनती है। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान दें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी आवश्यक है। आपकी सक्रियता व्यावसायिक पक्ष को विकास देने में सहायक सिद्ध होगी। आर्थिक लाभ संभव है। आज के गजकेसरी योग का पूरा लाभ मिलेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। आपका पूंजी निवेश सही दिशा में होगा। मित्रों के सलाह से बचें। विरोधी पक्ष दबा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल रचनात्मक प्रयासों में करें, सफल रहेंगे। कर्क राशि के लिए आपका कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति आपके हर क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम करेगी। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता निश्चित है। आज का दिन आर्थिक उन्नति में और सहायक होगा। शिक्षा के संबंध में समय अनुकूल है। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। अच्छे मामलों में निवेश का योग बना हुआ है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कमर में जकड़न और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ संभावित हैं। सिंह राशि के जातकों की पारिवारिक और सामाजिक दायित्व की पूर्ति होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयास व्यावसायिक उन्नति को नया मुकाम दे सकते हैं। अपनी क्षमता को थोड़ा और बढ़ाना होगा। सामाजिक व्यस्तता को थोड़ा कम करें और अपने आर्थिक योजनाओं में समय दें। सफलता के द्वार खुले हुए हैं। निजी मामलों में दूसरों की दखलंदाजी तनावग्रस्त करेगी। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। देव दर्शन के योग बनते हैं। कन्या राशि के जातक अपनी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग करें। आपके प्रयास सार्थक होंगे। सकारात्मक विचारधारा रखते हुए अपने कामों को अंजाम दें, सफलता मिलेगी। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। विरोधियों से बचें। अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले किसी से शेयर ना करें। संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। संतान व पत्नी पक्ष से तनाव की स्थिति संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आपकी राशि से सातवें चल रहे हैं, जो कि आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को और बल देंगे। अधिकतर कार्य पूरे होंगे और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखें। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।
वैवाहिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन भर का माहौल तनावपूर्ण और अनिश्चितता लिए रहेगा, मगर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। मन में नकारात्मक भावनाओं को न आने दें। अपने व्यावहारिक जीवन में सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाकर रखें। आपके प्रयासों में उतार चढ़ाव संभावित है। पारिवारिक मामले में व्यय की स्थिति बनी हुई है। धैर्य और हिम्मत से काम लें। पारिवारिक सदस्यों से मानसिक बल मिलता रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आपकी कार्य ऊर्जा का व्यवहारिक पक्ष लाभदायक रहेगा। लोगों का सहयोग आपकी कार्य क्षमता को और बढ़ाता रहेगा। आज का दिन नई कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए समय उपयुक्त है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में सफल रहेंगे। भविष्य में नवीन योजनाओं के लिए निवेश का योग बना हुआ है। मकर राशि के जातकों के लिए आज आपकी रचनात्मक कार्यशैली आपकी उन्नति के साथ साथ पारिवारिक सुख सौहार्द में भी वृद्धि करेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। गजकेसरी योग का पूरा फल मिलेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी समारोह में शामिल होने और सम्मानित किए जाएंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सुधार मिलेगा। आपके रचनात्मक प्रयास में शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। पिछले रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी आपको रखनी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के दिनचर्या में आलस्य बना रहेगा। चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से कार्य क्षेत्र में टालू प्रवृत्ति बनी रहेगी। आत्मविश्वास और सक्रियता कम होने से रचनात्मक कार्यों में बाधा संभावित है। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। विभागीय अधिकारियों से सहयोग व लाभ मिलता रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।